Hello everyone. Now let's start linear congruence. आज हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 की कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था व्हेन बी इक्वल्स टू 1. अगर आपके पास जीसीडी 1 आ जाता है ए और एम का, तब हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है? यूनिक. तो वो फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था. आज हम देखिए, अगर हमारा डी 1 नहीं आता तब क्या करना है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन. तो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हमारे पास ये जो कंग्रुएंस है, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ए एक्स कंग्रुएंट बी मॉडुलो एम. ओके, फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन कंग्रुएंस है इसको कंपेयर करेंगे. नाउ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, बी 25 एंड एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 35. देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, फाइंड जीसीडी डी. वो हम किसका फाइंड करते हैं, ए और एम का. तो क्या आएगा हमारे पास, 15 और 35 का जीसीडी. जीसीडी फाइंड करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो और डिवीजन भी. तो हम यही कर लेते हैं अभी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये. तो हमारे पास जीसीडी क्या आएगा, 5. तो 5 आ गया. तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया, 5, विच डिवाइड्स बी. बी हमारे पास क्या है, 25. तो 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, तो इट मीन हमें सोल्यूशन मिलेगा. इस कंग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अगर डी बी को डिवाइड नहीं करता तब हम कहेंगे इस कंग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट यहाँ डी क्या कर रहा है, बी को डिवाइड करता है. आपको पता है 25 5 को डिवाइड करता है. तो देखिए, तो हमारे पास क्या आ गया, डी इक्वल टू 5 विच डिवाइड्स बी. सो देयर एग्जिस्ट, अब हमारे पास कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 5, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है, 5. जितनी वैल्यू डी की होती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन. सो देयर एग्जिस्ट 5 सोल्यूशन. सो देयर एग्जिस्ट 5 सोल्यूशन इन कंग्रुएंट टू मॉडुलर 35. तो अब देखिए, हम ये 5 सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. यहां तक का तो प्रोसेस वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया. आप यूनिक सोल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए आगे. देखिए, अब आप क्या कीजिए, ये है हमारे पास, यहाँ 5 से कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, एक्स 3x 5 मॉडुलर 7. हमने क्या कर दिया, 5 से बोथ साइड कैंसिल कर दिया. ठीक है, ओके. नाउ अब देखिए, हम 0 को लिखते हैं इस ढंग से कि हमारे पास जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का क्वोशन क्या हो जाए, 1. तो आप क्या ऐड करेंगे, अगर 7 ही कर देंगे तब भी हो जाएगा. ठीक है ना, मैंने आपको बताए थे वर्किंग रूल वही है, यूनिक सोल्यूशन वाला ही. तो ऐड कर दीजिए सेकंड और थर्ड को, एंड सेकंड एंड थर्ड. आप प्रीवियस वीडियो मेरे जरूर चेक करें इसको करने से पहले, क्योंकि वही सारा प्रोसेस चल रहा है. 7 5 12. ओके, नाउ 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मॉडुलर 7. अब कंग्रुएंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास 7 क्या करेगा, डिवाइड्स एक्स माइनस 4. अगर बाय डेफिनेशन लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंस जो हमने पढ़ा है. अब आप ये देखिए, जब 7 इसको डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, इसका मल्टीपल 7 का. ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 7k+4. k की वैल्यू आप क्या लोगे, 0 1 2 3 4, क्योंकि d हमारे पास क्या आया था, 5. g3d क्या आया था, 5. तो इसके 5 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे आप 0 से स्टार्ट करेंगे. तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पुट करेंगे 4, 1 पुट करेंगे 11, 2 पुट करेंगे 18, 21, 25, 28, 4 पुट करेंगे 32. तो ये हमारे पास क्या आ गए, सोल्यूशन मॉडुलर
35, ये सब क्या आ गया हमारे पास, इनकंग्रेंट सॉल्यूशन मॉड्यूलो 35। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। डी की जितनी वैल्यू आएगी उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर 3 है तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, तब आप के की वैल्यू लोगे 0, 1, 2। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ 13 एक्स कंग्रुएंट 9 मॉड्यूलो 35। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड भी है, बट हम अपने उसी मेथड से करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। देखिए आपको लीस्ट पॉजिटिव कंग्रुएंट निकालना है, तो आप उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद दिस वन। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, बी 9, एम क्या आ जाएगा हमारे पास 25। ओके फर्स्ट स्टेप क्लियर है। फर्स्ट क्या स्टेप क्या है, हमारा जो गिवन कंग्रेंस है हमने उसको इसके साथ क्या किया, जनरल के साथ कंपेयर, ए बी एम की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप है डी फाइंड करना। क्या फाइंड करेंगे हम, डी वो क्या होता है, जीसीडी ऑफ ए एंड एम, जीसीडी ऑफ ए एंड एम। तो अब आपको पता है यहाँ हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया, तो इसका जीसीडी क्या होगा 1। क्या होगा इसका जीसीडी 1 है, तो इस कंग्रेंस का सोल्यूशन 1 है, तो 1 क्या करेगा, डिवाइड करेगा बी को, डी इक्वल्स टू 1 विच डिवाइड्स बी। 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स बी। और अगर 1 आपकी डी की वैल्यू, तो इसका सोल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करेगा, यूनिक। सो देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन। तो देखिए हम अपने उसी मेथड से ही करेंगे इसको भी। तो हमारे पास क्या है, ये 13x इक्वल्स टू 9 मॉडुलो 25। तो अब 0 को हम किस सम से, ये 25 का मल्टीपल किससे, जब हम ऐड करें तो 13 क्या हो जाए हमारा कैंसिल। तो देखिए 25 का क्या मल्टीपल ले हम, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप इसका मल्टीपल ले लिए 225, ये हमारे पास होगा 25 नाइन जा, हमने 9 का ले लिया 25 नाइन जा 225। हमें 25 का ही मल्टीपल लेना होता है, 25 भी ले सकते हैं, बट लेना कैसा होता है कि इनको जब ऐड करेंगे तो 13 से क्या हो जाए कैंसिल। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो देखिए अब आप ऐड कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 234 मॉडुलो 25। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा हमारे पास 18 मॉडुलो 25। तो 18 हमारे पास क्या हो गई, लीस्ट पॉजिटिव इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18। ओके तो उसी से ही हमने कर दिया जो मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं लीस्ट पॉजिटिव इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी 2.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके।